प्रिय दोस्तों, हाई स्कूल परीक्षा 2021 और 22 प्रति 10 प्रश्न पत्र कक्षा 10 सामाजिक विषय 9 तारीख को सामाजिक विज्ञान 9 अप्रैल को होने जा रहा है। इसमें एक बार अवश्य जाकर देखें। 70 में 70 लाएं। समय 3 घंटा 15 मिनट। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 2 खंड क और ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पेज से आरंभ किए जाइए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। क ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संग्रह करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रश्न संख्या 14 से 28 तक को करना है। फिलहाल देखिए, आपका बहुविकल्पी प्रश्न है में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सत्ता में सभी जाति समूह का साझेदारी, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, सत्ता में धर्म लोगों को साझेदारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रश्न संख्या पहला राइट होता है। सभी जाति समूहों की साझेदारी, बेल्जियम में ये नियम जारी किया गया है। दूसरा क्वेश्चन होता है, महात्मा गांधी किस घटना के असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो हमें यह मालूम है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड जब हुआ गोरखपुर, तभी जो है महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इटली 1961 में इटली का शासक कौन बना था? तो इटली का शासक विक्टर एमैनुएल बना था। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इसमें स्वराज राज महात्मा गांधी की ही रचना है। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? फ्रांस प्रशा युद्ध, इनमें से कोई नहीं। फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध तथा फ्रांस ऑस्ट्रिया प्रशस्ति युद्ध। तो जर्मनी का फ्रांस के साथ हुआ। भाषा को भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखा गया है? ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है। गांधी द्वारा चलाए गए, 7वां क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए पहला आंदोलन दक्षिणी अफ्रीका में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में बिहार के चंपारण जिले से पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और यहाँ के किसान नील खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। तो इनका ये प्रथम आंदोलन रहा। तो 2 आंदोलनों को हमें व्याख्या देना है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी हिंदी स्वराज पुस्तिका में कहा गया था, जिसके लेखक वही थे। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग से चलने के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपनी सहयोग वापस ले लेते तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाती। ऐसी स्थिति में स्वराज की स्थापना की गई। तो असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था। तो ये रही असाइमन कमीशन का गठन भी नेतृत्व में गांधी के ही नेतृत्व में किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा साइमन कमीशन इन्हीं के एक्ट में माना जाता है। और इसी के साथ पूना एक्ट भी इसी महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन के समझौता हुआ, जो समझौता में सरकार ने वचन दिया हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहाई का मांग किया गया था। तो इस तरह से खिलाफ आंदोलन हुआ।
अब राल एक्ट के खिलाफ भी आंदोलन चला। अब आता है लोकतांत्रिक प्रशासन को लोकप्रिय माना जाता है, दो कारण लिखिए। तो लोकतांत्रिक को, लोकतांत्रिक लोकप्रिय क्यों माना जाता है, आइए हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक क्या है, प्रशासन क्या है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र में लोग हो या लोगों के बाल बनाई सरकार, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी और लोगों की इच्छा तक बनी रहेगी, लोकतांत्रिक कहलाती है। और इस लोकतांत्रिक में इनके सामने निम्नलिखित चुनौतियां होती हैं। लोकतंत्र के लिए बुनियादी आधार चुनौती और विस्तार, आइए हम इसको विस्तृत दो कारणों को देते हैं। पहला है, दुनिया के जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, इन इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन तथा व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और संप्रभुता तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती होती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक के सामने अपने विचार को चुनौती, लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों में सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न पहलुओं पर वर्णन होता है। तो ये तो प्रमुख कारण है। और अच्छे लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होता है, जनता अपने शासन को चुनाव कराती है और जब चाहे वह उन्हें उस पद से हटा भी सकती है, ये जनता के हाथ में होता है। तो इसमें लोकतांत्रिक सरकार शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, संविधान के नियमों और जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून का नया निर्माण होता है, तथा देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के लिए अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक विभिन्न सामाजिक टकरावों को कम करने की कोशिश की जाती है, तथा लोकतंत्र नागरिक को सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करके पूरा अधिकार होता है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा होती है। यह एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन वह होगा जिसमें अधिक से अधिक जनता अधिक से अधिक भागीदारी ले सके। सरकारी मसलों पर जनता अपनी राय दे तथा जनता राजनैतिक रूप से शिक्षित होगी, जो वह लोकतंत्र को भागीदारी कर सकेगी। तो इस तरह से अच्छे लोकतंत्र के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव माना जाता है। तो ये रहा, लोकतांत्रिक देश में सरकार विभिन्न प्रकार की असमानताओं को कम करने की कोशिश करती है। एक अच्छे लोकतांत्रिक के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं। नंबर एक, असामाजिक तत्वों की भूमिका। असामाजिक तत्वों की भूमिका। और दूसरा होता है जातिवाद संप्रदाय है, जातिवाद और संप्रदाय होता है। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानता। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानता। ये तीन प्रमुख कारण होते हैं। इसके बाद भारत की उत्तरी पूर्व सीमा पर दो लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो उत्तरी और पूर्वी में लोकतांत्रिक, पूर्वी में श्रीलंका है और उत्तरी में हिमाचल प्रदेश, जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, ये लोकतांत्रिक देश हैं। मरियाना और जर्मनी कौन थी, इनका चरित्र करने का उद्देश्य लिखिए, अथवा रोलेट एक्ट क्या है। आइए हम रोलेट एक्ट के विषय में जानें कि रोलेट एक्ट क्या है, किसे कहते हैं, ये रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था। तो रोलेट एक्ट आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
गांधी ने रोयल एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इस 6 अप्रैल 1919 को यह नियम लागू किया गया। एक हड़ताल के रूप में शुरू हुआ और विभिन्न शहरों में रैली जुलूस निकाले गए। जैसे रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकान बंद हो गई। यह व्यापक उन चिंतित और रेलवे टेलीग्राम जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी का दमन शुरू कर दिया तथा अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके बाद लोग बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। ऐसी स्थिति में इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर लिया गया और जनरल डायर ने पंजाब में कमान संभालना शुरू कर दिया। तो ये रोयल एक्ट का विरोध था। रोयल एक्ट किसे कहते हैं, जो गांधी द्वारा जो है रोयल एक्ट चलाया गया था। इसी रोयल एक्ट में आपका 50 शब्द में निकला था। तो ये रहा रोयल एक्ट की भूमिकाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध आर्थिक मंदी का क्या कारण है, किन्हीं दो प्रभावों को उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 12 का हम दे रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। आर्थिक मंदी आई जिसके निम्नलिखित कारण रहे, जिसमें इसी विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसी कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। करों में वृद्धि कर दी गई तथा सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 और 18 के बीच कीमतों दोगुनी हो चुकी, जिसके कारण आम लोगों को मुश्किलें बढ़ गई। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई। तो इस तरह से विश्व युद्ध में उसी समय फ्लू की महामारी देश में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैलने लगी। 1921 में जनगणना में मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध की आर्थिक मंदी का कारण। इनके बाद आता है रोयल एक्ट। वर्तमान लोकतांत्रिक तीन व्यवस्था चुनौती का उल्लेख कीजिए। वर्तमान में लोकतांत्रिक विनियम लोकतांत्रिक वर्तमान लोकतांत्रिक तीन प्रमुख चुनौतियों पर उल्लेख कीजिए। तो चुनौती क्या है, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वे बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होता है, लोकतांत्रिक चुनौतियां होती हैं। लोकतांत्रिक चुनौतियों के अंतर्गत आने वाली दुनिया में निम्नलिखित तीन प्रमुख
चुनौतियां निम्न थी। दुनिया के जिन देशों में सभी लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं, उन इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चेष्टा करने लगे। इसमें से मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने और सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने तथा संप्रभु और कारगर शासन स्थापित करने की चुनौती प्रथम रही। दूसरी चुनौती इनकी रही, दूसरी चुनौती अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विस्तार की चुनौती थी। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय अधिकारों को आर्थिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना ही ऐसी चुनौती थी। इसका यह मतलब है कि कम से कम चीज़ों की लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक अमेरिका जैसे देशों के सामने यह चुनौती थी। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती रहती थी। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहार को मजबूत बनाए शामिल रखने तथा यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदवारी को पूरा कर सके तथा, लेकिन अलग अलग समाजों के आम आदमियों को लोकतंत्र में अलग तरह की अपेक्षा होती है, इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ स्वरूप ले लेती है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब है संस्थाओं का कार्य पद्धति को सुधार और मजबूत करना ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण वृद्धि हो सके। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण को प्रभाव को कम करना प्रथम एक अच्छे लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र शासन व स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का स्वयं चुनाव करते हैं। ये शासक संविधान की बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकार को मानते हुए कानून बनाते हैं। चुनाव में लोगों को शासक को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलता है। ये अवसर सबको समान रूप से मिलते हैं। तो ये रहा लोकतांत्रिक शासन की पारदर्शिता और पक्ष में मत और साथ साथ इनकी ये भी देखें विस्तार में बुनियादी पारदर्शिता में दुनिया के एक चौथाई ऐसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत सी मुश्किलें चुनौती हैं। इन देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी और आधार बनाने की चुनौती है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और संप्रभुत्व कामगार स्थापित करने का प्रमुख सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून बनाकर राजनीति को सुधार करने की बात सोचना बहुत ही लुभावना लग सकता है। एक नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगे यह सोच लेना भले ही दुखद है, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना बेहतर होता है। तो इस तरह से संविधानी सावधानियां से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे तथा विविध संवैधानिक आंदोलनों को लाने देने पर लोकतांत्रिक चुनौती हल नहीं किया सकता। उदाहरण के लिए क्रिकेट AWC नियम बदलाव, बल्लेबाज द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के चमत्कार दाव पेच को कम किया जा सकता है। ये विशिष्ट गतिविधियां लोकतांत्रिक में मानी जाती हैं। तो ये रहे आपके दोनों क्वेश्चनों का अंतर। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय विनियम। अंतर्राष्ट्रीय और विनियम सत्ता सत्ताधारी ये प्रश्न है आपके। आर्थिक विनियम में संगठित और असंगठित क्षेत्र संघवाद। क्वेश्चन संख्या ये लेते हैं 13। संघवाद क्या है? संघवाद प्रणाली तीन विशेषताएं।
संघवा, संघवा सरकार एक प्रकार है, एक प्रकार का प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकारी और उसके विभिन्न अनुयायी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। संघवाद की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, इनकी तीन विशेषताएं हैं, हमने निम्नलिखित विशेषता दे रहे हैं। एक तो सरकार दो या दो से अधिक स्तरों पर चलती है, अलग अलग स्तर के सरकारों एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने पर वसूलने और प्रशासन का उनका अपमान अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो इस तरह से विभिन्न स्तरों के सरकार अधिकार क्षेत्र संविधानों में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व का प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों को सहमति देती है। आंदोलन के संविधान और विभिन्न प्रकार की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। विभिन्न स्तर सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से संघवाद में निम्नलिखित है। संघी में देखा गया दो स्तरीय शासन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तीन प्रमुख विशेषताएं में दो स्तरीय शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए, शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए, वित्तीय सहायता और एकीकृत न्यायपालिका होना चाहिए। राज्य के विभिन्न संविधान नहीं है, केंद्रीय संघवाद है। ये सारे जो पहलू एक अच्छे संघीय संघवाद क्षेत्र का रूप होता है। तो ये रहा संघवाद की विशेषताएं, संघवाद क्या होता है ये परिभाषाएं हैं। फिर से सुन सकते हैं, संघवाद सरकार एक ऐसा प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकारी और उनके विभिन्न अनुयायी इकाइयों से बढ़ जाती है, जो संघीय क्षेत्र कहलाती है। संघीय संघवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें एक ही समय में दो अधिक सरकारें काम करें और संघात्मक व्यवस्था कायम रखें। तो इसमें विश्व के दो संघात्मक राज्य के नाम बताइए जिसमें भारत और अमेरिका है, दो देश हैं। सत्ताधारी प्रश्न आता है, तो क्वेश्चन संख्या 13 है। सत्ताधारी में सत्ताधारी के अर्थ से क्या समझते हैं? तो यह एक ऐसी सरकार है जो बेल्जियम में काम करती है। इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो जो भी रहते हों, सरकार उन्हें चुनती है। इन सरकार की सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार सीमित होता है। तो ये सत्ताधारी, साझे सत्ताधारी चलती है। सत्ताधारी जरूरी है और क्योंकि विभिन्न समुदाय समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप ले लेते हैं, इसीलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व माना जाता है। तो ये सत्ता सत्ताधारी होती है, साझेदारी होती है। यह क्यों आवश्यक है, ये जरूरी क्यों है? इसीलिए होती है कि इस सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोप देना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था के ठीक उत्पूरक होता है। तो ये प्रमुख जो है प्रमुख कारण है, किन्हीं दो को उल्लेख कीजिए। जैसे शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, शासन में विभिन्न अंग जैसे विधायकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा करती है। तो सरकार विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रखकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता है,
हर अंग दूसरे पर अंकुश रहता है, इसके विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इससे सबके अच्छे उदाहरण अमेरिका और भारत है। यदि यह विधायकी कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि न्यायपालिका नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायकी के कानूनों की जांच करने के लिए नियंत्रित रहती है। सरकार के विभिन्न स्तर में बंटवारा पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, जिसमें केंद्र सरकार या संघ सरकार कहलाती है। फिर प्रांत और क्षेत्रीय अलग पर अलग अलग सरकारें हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन राज्य राज्य सरकारें कहते हैं। यह सत्ता के बंटवारे वाले देश में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के स्थानीय सरकारें भी काम करती। इनके बीच सत्ता के बंटवारे विषय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा होता है। राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का सत्ता का बंटवारा होता है। तो हमने दो कारण आपको दे दिया, दो ही का वर्णन देना था। तो ये रहा आपका संपूर्ण क्वेश्चन लोकतांत्रिक देश में। अब इनके बाद 14 क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है, अमृतसर। वह स्थान जहाँ गांधी नमक कानून प्रारंभ किया था, गुजरात। नील खेती का आंदोलन नील खेती किसानों आंदोलन किया था, बिहार चंपारण जिले से शुरू हुआ था। और वहाँ से जहाँ सूती मिल श्रमिक ने सत्याग्रह किया था, गुजरात था। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। अब इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन दृष्टिबाधित है। तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त कीजिए। एक बार इसे परीक्षा भवन में देख कर जाएँ, 100% सफल होंगे, 70 में 70 लाएं। और ये बोर्ड से निकाले हुए पेपर हैं, इसमें कोई त्रुटियां नहीं है। तो सबके आंसर हमने दे दिया। हमारा चैनल अतीत MSP एडुकेशन पर आइए और डिजिट कीजिए प्रत्येक वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ की। देखिए हाई स्कूल समान। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। हाई स्कूल एग्ज़ाम 2022 लाइव सामाजिक विज्ञान है, पेपर 9 अप्रैल को है और यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा फल के इंतज़ार कीजिए। ये दृष्टिबाधितों के लिए है, जो नेत्रविहीन होते हैं उनकी है। और ये दोनों क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। हमारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस इसमें हमारे चैनल पर मिलेंगे। ईपी बोर्ड EP Board 10 के मैथ साइंस, जबकि 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ, जबकि EP TET के मनोविज्ञान मानी फिजियोलॉजी और संस्कृत विज्ञान मैथ तथा इसी नेट के लिए कंप्यूटर साइंस
हिंदी और सामान्य ज्ञान जीके ये हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इस पर डिजिट करके वीडियो देखें, लाइक था कमेंट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।